जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं धन लक्ष्मी यक्षिणी की एक परीक्षित साधना बताने जा रहा हूँ। इस साधना का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, अतः निर्भय होकर इस साधना को किया जा सकता है। सभी इच्छुक नए वो पुराने साधक इस साधना को कर सकते हैं। साधना सफल होने के बाद यक्षिणी अपने स्वरूप में सरा की तरह प्रकट तो नहीं होती है, इसके स्पर्श का पूर्ण सुखद एहसास होता है। धन वैभव और ऐश्वर्य बढ़ाने वाली एवं काम सुख प्रदान करने वाली साधना को अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति इनके आकांक्षी हैं, आहित वर्ग के लोगों के लिए यह विशेष लाभकारी है। यह एक राजसी साधना है। यह साधना सभी आधुनिक जीवन की आवश्यकता को पूर्ण करने वाली है। इस साधना के प्रभाव से किसी भी बुरी शक्तियों का आक्रमण नहीं होता है और न कोई गुप्त तांत्रिक क्रिया या कार्रवाई कर सकता है। यह एक शक्तिशाली साधना है। यक्षिणी कोई देवी नहीं होती है। यक्षिणी के कई प्रकार हैं। इन्हीं में एक प्रकार की यक्षिणियों में धन लक्ष्मी यक्षिणी भी है, जो कभी साधिका थी। कई शक्तिशाली साधनाओं के साथ सौभाग्य बढ़ाने वाली माता लक्ष्मी की भी साधनाएं की थी। जब इनकी साधना की जाती है तो यह पुष्ट होकर संपूर्ण नारी का आकार ले लेती है और अधक के तमाम इच्छाओं को पूर्ण करने का सामर्थ्य रखती है। आधक के अभाव वो कष्ट को दूर कर आनंद महसूस करती है कि यह स्वयं अपने जीवन काल में भी कष्ट में थी। वो गरीब भी थी, लेकिन पवित्र उच्च कोटि की महिला साधिका थी। वो व्यक्ति दीन दुखियों और गरीबों की मदद करते हैं, उन लोगों के प्रति यह यक्षिणी जल्द ही समर्पित हो जाती है। जब यह अपनी यक्षिणी योनि से मुक्त होती है तो इससे पहले वह किसी समतुल्य यक्षिणी को धक की सहायता के लिए लगाती है। साधक को इस प्रकार बनभर सहायता मिलती रहती है। इतनी अच्छी तरह से यह साधना करेगा उतना ही बलवान होकर साधक की सहायता करती है। इस युग में सांसारिक सफलता के लिए यह साधना उत्तम है। साधना की विधि कुछ इस प्रकार है। इस साधना को आप दीपावली से एक दिन पूर्व रूप चतुर्दशी के दिन से शुरू कर सकते हैं। किसी भी शुभ मुहूर्त वाले दिन, जैसे फाल्गुन माह से चैत माह में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के दिन, या भी पुष्प योग या गुरु पुष्य योग वाले मुहूर्त से भी यह साधना कर सकते हैं। अतिरिक्त नवरात्रि में सप्तमी से लेकर नवमी तिथि तक के दिन भी अनुकूल होते हैं। साधना को घर के किसी एकांत साफ व स्वच्छ कमरे में करना है, पूजा घर में नहीं। चयनित शुभ मुहूर्त वाले दिन रात्रि 10 बजे से यह साधना शुरू करनी है। साधना की दिशा उत्तर रहेगी और आसन लाल रहेगा। वस्त्र किसी भी रंग का पहन सकते हैं, लेकिन काला वो नीला नहीं होना चाहिए। उठकर अपने सामने गाय के घी से एक दीपक प्रज्वलित कर दीपक के लौ को अपनी तरफ रखना है। फिर भगवान श्री गणेश जी के मंत्र का 7 बार जप कर मूल मंत्र का जप 3 माला का 51 दिनों तक रोज करना है। मूल मंत्र का जप संस्कारित लाल मुंगे की माला या लाल चंदन की माला या कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला से करनी है। मंत्र जप करने के बाद वहीं आसन पर बैठकर नित्य ही 15 से 20 मिनट का ध्यान अवश्य ही करना है। मंत्र जप आंख बंद करके करनी है और उपांशु जप करनी है। कमाला जप के बाद आप आंख खोल सकते हैं। 51 दिन मंत्र जप करने के बाद दशांश हवन कर्म करना है। 4 या 6 कोनों वाले हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित कर उसमें खैर की लकड़ी या सूखा कत्था डालना है। मलगट्टे के बीज और घी से आहुति देनी है। यदि संभव हो तो दूध से बनी खीर और पंचमेवा भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तर्पण और मार्जन शुद्ध शराब से करनी है, या गाय के कच्चे दूध में शहद मिलाकर शहद के 1/4 भाग शुद्ध घी मिलाकर इससे भी आप तर्पण या मार्जन कर सकते हैं। साधना बाद हवन इत्यादि अवशेषों को नदी में विसर्जित कर देना है। प्रकार यह साधना पूर्ण करनी है। साधना के उपरांत 6 से 1 वर्ष तक नित्य ही ध्यान करना है। ध्यान करने से पूर्व मूल मंत्र का 7 बार मानसिक जप कर ध्यान करना है। साधना की सफलता की जांच के लिए रात में सोने से पूर्व अपनी आवश्यकता की कामना कर मूल मंत्र का 7 बार जप कर सो जाया करें। अगली सुबह जब आपके काम बनते नजर हुए आए तो यह सफलता का सूचक है। निरंतर प्रतिदिन ध्यान करते रहने से शनि के प्रत्यक्ष होने की अनुभूति होगी और आप उससे बातचीत कर सकेंगे।
आप कैसा व्यवहार करते हैं यह आप पर निर्भर होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि यह यक्षिणी पहले कभी साधिका थी, अतः उनके मूड या मिजाज को समझते हुए ही व्यवहार करें और पूर्ण शिष्टता का ध्यान रखें और अपने जीवन को सफल बनाएं वो अपने सांसारिक जरूरतों को पूर्ण करें। मूल मंत्र मैं वीडियो में लिख कर दे रहा हूँ, लेकिन निश्चित सफलता के लिए दीक्षा लेकर ही यह साधना करें। संस्कारित माला वो अन्य साधना सामग्री एवं किसी भी प्रकार की तांत्रिक कार्य वशीकरण इत्यादि और सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधि हेतु दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर आप प्राप्त कर सकते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व शेयर करें। आदेश।